इंडिया भिड़ने वाली है बांग्लादेश से, और अभी हम ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि कल भी बांग्लादेश के दिए 2 पॉइंट की बदौलत हम ऊपर ही बैठे रहेंगे। सर कल तो हराना तय है इंडिया का। देखिए मैं आपको और दर्शकों को दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू राइट ऑफ बांग्लादेश डू दैट ऑन योर ओन पैनल। कारण क्या है, क्योंकि बांग्लादेश ने हमें ओडीआई सीरीज हराई थी पिछले दिसंबर में, और अभी जब हम एशिया कप हुआ था तो जिस टीम्स के खिलाफ हमारे एकमात्र मैच जो है वो बांग्लादेश थी। पिछले 4 मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ हम सिर्फ 1 जीत सके हैं, जिसमें ईशान किशन ने डबल सेंचुरी बनाई थी। तो भाई बांग्लादेश को हल्के में लेना सही बात नहीं है, खासकर अभी क्योंकि 2 उलटफेर पहले ही हो चुके हैं, अफगानिस्तान और नीदरलैंड ने जो करा। लेकिन सर ओडीआई वर्ल्ड कप की यहाँ पे चल रहा है, तो हम ओडीआई वर्ल्ड कप की मैं बात करना चाहूंगी कि ओडीआई वर्ल्ड कप में हम दोनों का आमना सामना, इंडिया बांग्लादेश का आमना सामना 4 बार हुआ है, जिसमें पहली बार सिर्फ बांग्लादेश हरा पाई थी 2007 में, लेकिन उसके बाद स्ट्रेट विंस हमने ही गेन की है। और मैं रोहित शर्मा जिस लाइन में चल रहे हैं वो तो आप सब देख ही चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा का बांग्लादेश के खिलाफ काफी ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में 137 बनाए थे, और 2019 में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। हो सकता है वो कल भी बना ले, और कल पुणे में मैच खेला जाएगा, और विराट कोहली का ओडीआई वर्ल्ड कप में एकदम धमाकेदार प्रदर्शन बाकी है, तो हो सकता है, क्योंकि पुणे में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। पुणे में उन्होंने 7 इनिंग खेली और 442 रन बनाए 68 समथिंग एवरेज पे, तो मैं इन दोनों को अपना टॉप प्लेयर रखना चाहूंगी, और जसप्रीत बुमराह को भी। देखिए हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं और चाहते हैं कि भारत अच्छा करे, लेकिन पुणे की जो पिच है वो थोड़ी फास्ट बॉलर को असिस्ट करेगी। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, शरीफुल इस्लाम ने बहुत इम्प्रेस करा है मुझको, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां तक आपने रोहित शर्मा की बात करी, तो 2 पारियां बहुत अच्छी खेल चुके हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऑफ डे आ जाए, और हो सकता है वो ऑफ डे कल ही हो। और बांग्लादेश की जो टीम है वो काफी बैलेंस लग रही है, और इंडिया के खिलाफ रिसेंट पास में जो उन्होंने अच्छा करा है कल वो कॉन्फिडेंस लेके जाएगी। हालांकि जो 2007 की आपने बात करी, 2007 के शॉक के बाद में भारतीय टीम संभल गई थी, लेकिन हो सकता है शायद कल ये अफगानिस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को, नीदरलैंड ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, कल इंडिया ओवर कॉशियस हो जाएगी, लेकिन कल बांग्लादेश भी चाहती है कि एक उलटफेर और हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। लेकिन सर कल मैं एक और प्लेयर की बात करना और चाहूंगी, शार्दुल ठाकुर, जिनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे इंडिया टीम में अब तक समझ नहीं आया है। अगर उनको अपनी टीम में अहमियत साबित करनी है, तो कल उन्हें अगर रखा गया तो उनका चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बांग्लादेश के लिहाज से बात करें तो लिट्टन दास, जिनका पोजिशन बहुत अच्छा रहता है भारत के खिलाफ, उनको भी कल अपना बड़ा नाम साबित करना होगा, कि जिस लिए वो टीम में है वो आप साबित कीजिए एक लंबी पारी के लिए। तो ये तो रही हमारी टीम प्रिडिक्शन थोड़ी, और प्लेयर प्रिडिक्शन, जो हमें लगता है कि कौन जीतेगा और कौन अच्छा प्रदर्शन दे पाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, बांग्लादेश जीतेगी या कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा।